हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो मैथ के प्रीवियस वीडियोस में हमने इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज देखे थे, तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक रूल्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, और इसके साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो इस वीडियो में हम देखते हैं गेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के कुछ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एस इक्वल्स टू लिमिट है आपको 1 से लेके इनफाइनाइट तक एक्स की पावर माइनस क्यूब डी एक्स। तो एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2 और लिमिट रहेगी आपकी 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो इसमें आपने माइनस 1 बाई 2 बाहर ले लिया और x की पावर माइनस 2 को आपने क्या लिख दिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी माइनस 1 बाई 2 और 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 बाई 2। तो इसमें हम और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा। तो इसको हमें जूम करते हैं, आई इक्वल्स टू 0 टू पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन क्यूब थीटा को साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा में डिवाइड करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब आप इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूट रख के इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और दिया हुआ सब्स्टिट्यूशन है कि कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये आपको जब आप इंटीग्रेशन के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं cos थीटा इक्वल्स टू टी, cos थीटा की जगह पर हम टी पुट करते हैं इसमें। तो इसका जब हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका डी टी। आप लिमिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट आपको 0 टू पाई गिवन है। तो आप सबसे पहले इसमें लिमिट पुट करेंगे थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए, टी आपने माना है cos थीटा। तो जब थीटा आपने 0 पुट किया cos में तो cos 0 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। मतलब जो पहले आपकी लोअर लिमिट 0 थी अब आपकी लोअर लिमिट कितनी होगी, 1। अब यहाँ पर जो आपकी अपर लिमिट पाई है तो थीटा इक्वल्स टू पाई था, लेकिन आपने एज्यूम क्या किया है, टी इक्वल्स टू cos थीटा। तो थीटा की जगह पर जब आप यहाँ पर पाई पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका cos पाई और cos पाई की वैल्यू होती है माइनस 1। तो आपकी जो लोअर लिमिट निकल के आई वो 1 हो गई और जो अपर लिमिट हुई वो हुई आपकी माइनस 1। तो इस फंक्शन में जब आप लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे और साइन थीटा डी थीटा आपका क्या हुआ, साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा आपका माइनस डी टी। तो आपका फंक्शन हो जाएगा आई इक्वल्स टू माइनस, ये आपकी लोअर लिमिट से अपर लिमिट, 1 टू माइनस 1 और 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये हो गया आपका फंक्शन। अब आपने क्या किया, ये माइनस है तो आप लिमिट आप माइनस 1 से 1 कर सकते हैं तो आपका माइनस चला जाएगा और ये 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो इसको जब आपने इंटीग्रेट किया तो 1 का हो जाएगा आपका t और t स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब डिवाइड बाई 3, लिमिट हो जाएगी आपकी माइनस 1 से लेके प्लस 1। अब जब इसमें आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका t की जगह पर 1 माइनस 1 क्यूब डिवाइड बाई 3। ये आपने पहले अपर लिमिट पुट की माइनस, फिर आपने ये माइनस 1 पुट किया इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 बाई 3 माइनस माइनस 1 प्लस 1 बाई 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू निकल के आएगी 4 बाई 3। तो इस तरीके से आप इनका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको ये सब्स्टिट्यूट रखना, जब आप क्वेश्चंस खूब प्रैक्टिस करेंगे इंटीग्रेशन के तब आपको समझ में आएगा ये। तो क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो इंटीग्रल में अब हम आगे देखते हैं कुछ डेफिनेट इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। और उनकी अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपके अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, इसरो है या बार्क है या गेट के एग्जाम है, इनमें आपको इंटीग्रल के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल की हम प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ़ लिमिट आपको ए से बी है और फंक्शन है आपका एफ एक्स डी एक्स,
तो आपका जो फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स लिमिट हो जाएगी ए से बी, तो एफ ऑफ बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपका फंक्शन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं आप, डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब जो आपका सिंपल इंटीग्रल होता है लिमिट ए से बी, वो हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ अपर लिमिट माइनस फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट, वो हो जाएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल। अब कुछ प्रॉपर्टी है इसकी डेफिनेट इंटीग्रल की, वो क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंज विद द चेंजिंग ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो आपका वेरिएबल एक्स है उसकी जगह पर आप दूसरा वेरिएबल भी रखेंगे तो भी आपका फंक्शन सेम आएगा। जैसे लिमिट है आपकी ए से लेके बी तक फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये बराबर होगा आपका लिमिट ए से बी फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, मतलब आपका अगर वेरिएबल चेंज कर दिया तो भी आपका इंटीग्रेशन इक्वल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, लिमिट आपको ए से बी गिवन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपका इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसमें आपने क्या किया, जब इसकी जो अपर लिमिट थी वो लोअर में कन्वर्ट कर दी और जो लोअर लिमिट थी वो अपर में कर दी, लेकिन इसके साथ ही क्या होगा, लिमिट का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या हुई, इंटरचेंजिंग द लिमिट डज नॉट चेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एफ ऑफ एक्स बट साइन चेंज, तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी वही रहेगी लेकिन लिमिट का आपका साइन चेंज हो जाएगा। ये हुई इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, लिमिट आपको ए से बी गिवन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको आप दो पार्ट में तोड़ के कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ए टू सी, लिमिट आपने ए से सी तक पुट की फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो जो आपकी लिमिट थी ए से लेके बी तक वो आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ए से लेके पहले सी तक फिर सी से लेके बी तक। ये हुई इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, इफ वी हैव लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ए टू बी लिमिट रहेगी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स भी रख सकते हैं। जैसे आपको लोअर लिमिट ए गिवन है और अपर लिमिट आपको बी गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स में आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी, मतलब दोनों अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस फंक्शन डी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, तो ये आपको याद रखनी है। इसी प्रॉपर्टी को और फर्दर एक्सप्लेन किया तो दूसरी आपकी ये निकल के आई, लिमिट अगर आपकी जीरो से ए गिवन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर अपर लिमिट आपकी ए है और लोअर लिमिट जीरो है, तो फंक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस जीरो माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये आपको प्रॉपर्टी इसकी याद रखनी है। अब इसकी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, लिमिट आपको माइनस ए से ए गिवन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए लिमिट और एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, अगर आपका जो फंक्शन है वो इवन है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए, यहाँ पर जो आपकी लिमिट थी वो माइनस ए से ए थी, तो इसको आपने क्या लिख दिया, टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए लिमिट। जैसे ये हो गया आपका माइनस ए और ये हो गया जीरो और ये हो गया ए, तो पहले आपको लिमिट माइनस ए से ए गिवन थी, माइनस ए से ए गिवन थी, लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स आपका इवन है तो आपकी लिमिट पुट कर सकते हैं जीरो टू ए, तो यही किया अपन ने, यहाँ पर जीरो टू ए लिमिट कर दी और यहाँ पर टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन कब ये प्रॉपर्टी होगी, जब एफ एक्स आपका इवन फंक्शन होगा, और इवन फंक्शन आपका कब होगा, जैसे यहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स है तो इवन फंक्शन आपका होगा अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, तो फंक्शन आपका इवन हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, माइनस ए टू ए आपको लिमिट गिवन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा, ये कब होगा, जब आपका एफ ऑफ एक्स आपका ऑड फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब आप एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस ऑफ एफ एक्स आए आपका, ये होती है आपकी ऑड प्रॉपर्टी, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, ये होता है आपका ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन में इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और इवन फंक्शन में ये हो जाएगी, तो इन प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस में सीधे यूज होती हैं। तो अब इसमें हम और आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। जैसे आपको लिमिट गिवन है जीरो टू वन बाई टू वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हमने इसके फॉर्मूलेज देखे थे मैथ के 22 पार्ट में। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, तो आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी साइन इनवर्स x, लिमिट 0 टू 1 बाई 2,
जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स में 1/2 जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है 30 की, 30 को आप क्या करते हैं पाई बाई 6, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट है आपको log 2 टू log 3 e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x dx। तो इसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी जो मैथ्स के पार्ट 22 में हमने देखा था। उसमें हमने क्या देखा था, अगर आपको कोई फंक्शन इस तरीके से गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में आपको कोई फंक्शन गिवन है तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो आपको नीचे फंक्शन गिवन है अगर उसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर गिवन है तो आप क्या करेंगे सीधे सीधे इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर देंगे। तो 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कितना लॉग एक्स, तो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ एफ एक्स का हो जाएगा कितना लॉग फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं लॉग एफ ऑफ एक्स। तो इस फंक्शन में आप देखिए जैसे नीचे का फंक्शन है ये टोटल 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, तो 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आता है ई टू द पावर एक्स, और वो वैल्यू आपको न्यूमरेटर में गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा लॉग फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन है आपका 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, तो आपने इसको क्या रख दिया लॉग 1 प्लस ई टू द पावर एक्स और लिमिट आपकी लॉग 2 टू लॉग 3। अब ये जो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें आपको फॉर्मूले याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप क्वेश्चंस कन्वर्ट कर पाएंगे सीधे सीधे फॉर्मूले पुट करके, तो आप इन फॉर्मूलों को जरूर याद रखें। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ई टू द पावर लॉग 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा आपकी लॉग 4 माइनस ये हो जाएगी आपकी कितनी वैल्यू 2, तो लॉग 3 इसको आप क्या लिख सकते हैं लॉग 4/3। तो ये आपको याद रखना, ये बगल में फॉर्मूला मैंने इसका लिखा था जो यहाँ पर अप्लाई किया था। ये आप सारे फॉर्मूले मैथ के 22 पार्ट में देख सकते हैं इंटीग्रेशन वाले, तो इसमें हम और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है आपको 0 टू 1 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे 0 टू 1 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर जो माइनस एक्स है उसको आपने 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स रख लिया। अब यहाँ पर आपने e टू द पावर x आपका ऊपर आ जाएगा तो e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x का स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने आपको मैथ्स के 22वें पार्ट में एक फॉर्मूला बताया था, अगर न्यूमरेटर में आपका f डैश ऑफ x हो और नीचे हो आपका 1 प्लस x स्क्वायर और dx, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना tan इनवर्स ये e टू द पावर x और लिमिट हो जाएगी 0 टू 1। ये आप फॉर्मूले देख सकते हैं मैथ के 22वें पार्ट में। यहाँ पर आपका tan इनवर्स इसलिए आया है क्योंकि आप 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो वो आता है tan इनवर्स के फॉर्म में, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आप फॉर्मूले देख सकते हैं एक बार फिर से, तो यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स e टू द पावर x लिमिट 0 टू 1। तो जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो tan इनवर्स e टू द पावर 1 माइनस tan इनवर्स e टू द पावर 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स e माइनस पाई बाई 4। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये कोई आपको फंक्शन गिवन है 0 टू 2 आपको लिमिट है और मॉड 1 माइनस एक्स डी एक्स है, इसका हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। तो जो ये मॉड वाले फंक्शन होते हैं इनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर एक्स की वैल्यू देखते हैं, एक्स की वैल्यू आपकी कब चेंज होगी या जो फंक्शन होगा आपका ये कब टोटल प्लस में होगा और कब माइनस में होगा। मान के चलिए एक्स की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया तो 1 माइनस 1 हो गया आपका 0। अब यहाँ पर जब हम 1 से कोई कम वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आपका फंक्शन प्लस में आएगा और 1 से अगर ज़्यादा वैल्यू रखेंगे तो आपका फंक्शन माइनस में आएगा। तो आपने लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि इस इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका 0 टू 1 और 1 माइनस एक्स डी एक्स आपका फंक्शन है, और दूसरा हो गया आपका 1 से लेके 2 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको जो आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो सॉरी यहाँ पर आप 1 से जब आप ज़्यादा वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर 1 से ज़्यादा वैल्यू पुट करेंगे तो आपका माइनस साइन आ जाएगा इसमें। तो 0 टू 1 और 1 टू 2 आपने यहाँ पर लिमिट पुट कर दी। अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 का x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लिमिट 0 टू 1, ये माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और लिमिट 1 से 2। अब सिंपल आप इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आएगी कितनी 1। तो मॉड वाले क्वेश्चंस में आपको बस ये रखना है यार
कि जो मॉड वाला फंक्शन होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक तो प्लस में और एक तो माइनस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, ये कोई फंक्शन गिवन है माइनस वन से वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है और लिमिट आपको माइनस ए से प्लस ए गिवन है। तो इसमें आप इस फंक्शन को चेक करेंगे कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इवन के लिए मैंने क्या बताया था, एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करना है, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि एक्स की जगह पर जब आप माइनस एक्स पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आपका इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स। तो आपका ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। तो जो ये फंक्शन है आपका, ये आपका इवन फंक्शन है। तो इस फंक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, टू लिमिट हो जाएगी जीरो टू वन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स और लिमिट जीरो टू वन। तो जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टू पाई बाई फोर माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई टू। तो इस तरीके से आप इन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी बात यही है कि आपको इंटीग्रेशन के सारे जब फॉर्मूले याद होंगे तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इंटीग्रेशन के। तो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।